झाबुआ में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण हेतु नामांकन फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन रतलाम लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान ने झाबुआ में जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीणा के समक्ष अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। उक्त जानकारी देते हुए जिला भाजपा मीडिया प्रभारी योगेंद्र नाहर ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप, वन मंत्री नागर सिंह चौहान सहित झाबुआ, अलराजपुर और रतलाम जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे। इस अवसर पर भाजपा की विशाल आम सभा झाबुआ के बस स्टैंड पर संपन्न हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाया और आदिवासियों को बताया कि भाजपा की सरकार ही आदिवासियों का विकास करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास कार्य आगे भी जारी रहेगा। नामांकन रैली में अपना कीमती समय, बहुमूल्य समय निकालकर आए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय चेतन कश्यप जी, आदरणीय दीदी निर्मला भूरिया जी, नागर सिंह चौहान जी, आदरणीय गुमान सिंह दामोर जी, आदरणीय सुरेश आर्य जी, भाई बल सिंह भावर जी, भाई प्रदीप उपाध्याय जी, भाई मक्कू परवाल जी, भाई भानु भूरिया जी, आदरणीय मथुरा लाल डामोर जी, आदरणीय किशोर जी शाह, आदरणीय महेंद्र जी भटनागर, भाई दिलीप जी मकवाना, दीदी संगीता चारेल जी, भाई प्रहलाद पटेल जी, सम्मान्य मंच, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार भाइयों और दूर दूर से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों को मोदी जी का राम राम। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां का किस्सा बताती हूँ कि जब मैं कलेक्ट्रेट में अंदर थी तो मुझे डर लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच पाएंगे कि नहीं, यह हमें को देना पड़ेगा। पर मुख्यमंत्री जी इतनी स्पीड में आए, इतना भाग कर आए कि समय रहते हुए अंदर प्रवेश किया और हमने नामांकन दाखिल किया। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सब के लिए यहाँ पर आए और हम सबको संबोधित भी करने वाले हैं, हम आपका मार्गदर्शन भी मिलेगा। आप सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि अब आने वाली 13 मई को मतदान होने वाला है और जितने भी भाई बहन बैठे हैं आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे पास मात्र 15 दिन बाकी रह गए हैं और इन 15 दिनों में हमको कमल का फूल खिलाना है और वो कमल का फूल कैसे खिले ये रणनीति हमको बनाना है। हर एक मतदान केंद्र तक पहुंचना है, हर घर घर तक पहुंचना है, हर एक मतदाता भाई बहनों से मिलना है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भारत को विकसित बनाने के लिए आप कोई घर ना छोड़े, कोई भाई तक ना पहुंचे, ऐसा ना हो, आप सभी के पास जाए, आप कोई घर ना छोड़े, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया है, आदरणीय मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए गैस का चूल्हा दिया है और टंकी दी है, तो आदरणीय मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया। इसलिए आप बहनों से और भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आप कोई घर ना छोड़े, क्योंकि मोदी जी ने कोई घर नहीं छोड़ा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि 3 तारीख को मुझे भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने प्रत्याशी बनाया था। मैं तब से लगातार आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से मंडल स्तर तक पहुंची हूँ, शक्ति केंद्र तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा है संगठन के माध्यम से मुझे, लेकिन 2362 मतदान केंद्र है भाइयों,
आपको पहुंचना पड़ेगा। और असली प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम सब। इसलिए आप तन मन धन लगाकर आप सभी जुड़ जाएं और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। हमारे अपने गरीब भाई बहन से पूछो कि जब चूल्हा जलता और आटा नहीं हो घर में तो उनपे क्या बीतती थी। वो गया जमाना पुराना कि यहाँ से भाग के इंदौर जाना पड़ता था, गुजरात जाना पड़ता था। अब अपने को दोनों समय अनाज मिलता है तो घर में बगैर कोई खाए पानी पी के कोई सोता है क्या? जोरदार ताली बजाओ, आने वाले 5 साल तक फिर दोबारा ये किए ही वापस राशन देने वाले हैं। ये मतलब जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। अभी एक और कसर बाकी है, झाबुआ के हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से भर्ती हो जाओ किसी कारण से और आपको लगे कि डॉक्टर ने कह दिया इस मरीज को और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, इंदौर पहुंचाना पड़ेगा, बड़ौदा पहुंचाना पड़ेगा, अहमदाबाद पहुंचाना पड़ेगा और पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर और कलेक्टर के कहने पे हमारी सरकार ने तय कर दिया। ये कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर अकेले खुद के लिए चलाते थे लेकिन हमारी सरकार ने किया कि झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम के लोग भी अगर हॉस्पिटल में बीमार हुए तो बिना पैसे हेलीकॉप्टर से उनकी जान बचाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, दोनों होना चाहिए। अरे जान बड़ी के हेलीकॉप्टर, अगर जान बचे तो 10 हेलीकॉप्टर खड़े कर देंगे। ये सरकार गरीबों की सरकार है, आपकी सरकार है, इस पे आपका और तो और आप किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद अगर लगता है किसी कारण से व्यक्ति का जो बेन भाई जो भी भर्ती है वो शरीर छूट गया तो अपने लिए अभी ले जाने के लिए कोई हाथ में ले जाता है, कोई ठेले में ले जाता है, कोई बैलगाड़ी पे ले जाता है। ले जाने की व्यवस्था नहीं गांव तक जाने की। हमारी सरकार ने तय किया क्या, ये कभी भी अच्छी बात नहीं है। अपन समाचार पत्र में देखते हैं, टीवी में देखते, शर्म आती है। हाथ में बच्चे का लाश ले जा रहे हैं, ठेले में ले जा रहे हैं, अब जरूरत नहीं है। सरकार जैसे एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल छोड़ने आएगी ऐसे ही गाड़ी से लाश भी छोड़ने की व्यवस्था सरकार आपके गांव तक करने वाली है। ये हमारी सरकार ने तय की। गरीब से गरीब आदमी की भी इज्जत रखना ये हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति। एक और भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से कितनी बार लड़ेंगे मालूम नहीं, घड़ी घड़ी लड़े आ रहा है, जो कहो वो लड़े आ रहा है। कभी विधायक में आगे बढ़े, कभी सांसद में आगे बढ़े, पदाधिकारी में सब बन जाए लेकिन करने धरने के नाम पे जीरो। झाबुआ में कुछ काम नहीं करते, ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनके कर्म है। कांग्रेस 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 मरते मरते कांग्रेस बोलते बोलते, अरे भैया कांग्रेस हम भी बोल देते, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आज तक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति कभी बनाया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस कभी मौत नहीं। भाजपा के लिए जोरदार ताली बजाओ, पहली बार आदिवासी परिवार की बहन को, एक गरीब आदिवासी बहन को सीधा देश का सबसे बड़ा पद देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। मैं भी आपके जैसे ही गरीब परिवार से निकला हुआ, किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते गरीब परिवार से निकल कर केवल भाजपा में होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, जोरदार ताली बजाओ, ये गरीबों का सम्मान है। और मैं भी आपने ऐसे एक किसान परिवार गरीब परिवार से निकल करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, मंत्री बन गए, देश में मंत्री बन गए, प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। लेकिन आपका मौका आया तो कांग्रेस ने क्या करा? भारत माता की जय, कभी मुख्यमंत्री का बनाने का सोचा क्या? वो बुआ जी मर गई मांगते मांगते बिचारी, पहले उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये भैया साहब को भी नहीं बनने दिया। लेकिन बड़े बेसरा में फिर भी कांग्रेस कांग्रेस कर रहा है, जोरदार ताली बजा। कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए इतनी बड़ी भीड़ आ गई, इन्हें सबने निर्णय कर लिया है ऐसी कांग्रेस का उठाव ना करना अच्छा है, ऐसी कांग्रेस में नहीं जाएंगे। जिस कांग्रेस के माध्यम से समाजों का अपमान होता, जिस कांग्रेस के माध्यम से लोकतंत्र का अपमान होता, जो कांग्रेस सबको लेके चलना नहीं चाहती, ऐसी कांग्रेस में रहना धिक्कार है। और तो और अब
अभी आपने देखा होगा, चार दिन पहले अपने कांग्रेस के लोगों ने घोषणा पत्र दिया। उस घोषणा पत्र के माध्यम से कितनी बेशर्मी की बात है, कैसे सोच सकते हैं लोग। उनने कहा कि भाई हमारा घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, और आर्थिक सर्वेक्षण में जिनके पास ज्यादा धन है उनसे छीनेंगे, और इस देश में सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, जिसको मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम मुस्लिम मुसलमानों को मानते सबसे पहला अधिकार, तो आपसे छीनेंगे और उनको देंगे। ये सरकार का निर्णय नहीं कांग्रेस वाले कह रहे। आप बताओ, आपने मेहनत करी, आपके बाप दादा की संपत्ति इकट्ठी हुई, आपने अपने बलबूते पर ये सारा तामझाम खड़ा करा, और आपके दो मकान है और आपसे कोई एक मकान छीनेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप बताओ, आप में से कोई छीन के लेगा तो कोई देगा क्या? ये कांग्रेस वालों की मती मारी गई। झाबुआ से कमलेश सोनी की रिपोर्ट।